मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ. ठीक है, सो हमने अपनी पिछली क्लास में क्या देखा, हमने देखा कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या था, और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने ला बॉयल्स लॉ से रिलेटेड भी करे और कुछ न्यूमेरिकल हमने चार्ल्स लॉ से रिलेटेड भी करे अपनी लास्ट क्लास में. ठीक है, तो बेटा बॉयल्स लॉ था हमारे पास. अगर मैं उसकी रिलेशन की बात करूं तो ये था V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. ठीक है, एंड बॉयल्स लॉ था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. यू नो दैट. ठीक है, तो हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था किसके बारे में, P1 V1 इक्वल टू P2 V2. ये था हमारा बॉयल्स लॉ. और चार्ल्स लॉ था बेटा हमारा क्या, V1 अपॉन P1 इक्वल टू V2 अपॉन T2. दिस इज अवर चार्ल्स लॉ. ये चार्ल्स लॉ था. ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गे-लुसॉक्स लॉ. ठीक है, और इसको हम प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप भी बोलते हैं. दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप. ठीक है, और दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय द जोसेफ गे-लुसॉक. आपको पता है इस सर्विस के बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वेन द वॉल्यूम बिकम कॉन्स्टेंट एंड द प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ ए गैस, जो गैस कोई भी गैस है किसी कंटेनर में, उसका जो प्रेशर होगा फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर. वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बट कंडीशन है वॉल्यूम रिमेन सेम रहना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं होना चाहिए. गैसेस सब्सटेंसेस का जो भी जिस भी कंटेनर में गैस प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम हमने चेंज नहीं करना है, वॉल्यूम रिमेन सेम, देन द प्रेशर इज ऑल्सो चेंज विद द टेम्परेचर. सो अकॉर्डिंग टू हिम गे-लुसॉक, जोसेफ गे-लुसॉक, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा, वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n भी कॉन्स्टेंट होगा, तब हमारे पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा T के. ठीक है, और आपको पता है दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हर बार, हमने दो लॉ पढ़े हैं इससे पहले, हमने पहले लॉ में बॉयल्स लॉ के अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन लिया था वो K1 था, और हमने चार्ल्स लॉ के अंदर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया था, प्रोपोर्शनल साइन लिया था वो K2, और इस लॉ के अंदर हम वो प्रोपोर्शनल साइन ले रहे हैं K3. तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, K3, टी को हम नीचे ले आए, तो P अपॉन T इक्वल टू K3 लिख सकते हैं. बिल्कुल, K3 यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. ठीक है, फॉर गे-लुसॉक्स लॉ. अगर मैं बात करूं इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रेशर की, अगर मैं कोई वर्किंग चल रही है और हमने बात करनी है उस कंटेनर में इनिशियल प्रेशर, प्रेशर कितना है गैसेस सब्सटेंस का, तो वो है P1, इनिशियल टेम्परेचर है T1, दैट इज इक्वल टू K3. ठीक है, दिस इज कॉन्स्टेंट. और सेम अगर मैं बात करूं उस पर प्रेशर, अगर हमने उस गैसेस पार्टिकल पे अप्लाई कर दिया, तो P2 फाइनल प्रेशर होगा और वॉल्यूम क्या होगा, अपॉन में T2 इक्वल टू K3. सो बोथ P1 अपॉन T1 इक्वल टू K3, P2 अपॉन T2 इक्वल टू K3. सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2. लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास एक अनदर फॉर्मूला आ जाता है टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल. फॉर न्यूमेरिकल इस पे भी काफी न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू दिस गे-लुसॉक्स लॉ, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू द गे-लुसॉक्स लॉ. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यू नो दैट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, प्रेशर will increase and temperature will also increase. ठीक है, because both are directly proportional to each other, but the condition is that volume remain same. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, suppose मेरे पास gases substance है कोई, ठीक है, और उसका volume क्या है, V1 है, volume fix है, V1 है, तो जो pressure और temperature का हम क्या बनाएंगे, graph draw करेंगे, pressure को हम bar में standard में लेंगे, ठीक है, और atm में, और temperature को हम standard में Kelvin में ले सकते हैं. तो हम क्या देखेंगे, जो V1 होगा, V1 के लिए both are directly proportional, तो जैसे जैसे हमें पता है प्रेशर जो होगी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर की, तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो प्रेशर भी क्या करेगा, गैसेस सब्सटेंस का इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से. बट एरिया और जहां पे भी गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट है वो वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, रिमेन सेम. तो V1 वॉल्यूम के लिए ग्राफ हमारा कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. सपोज मेरे पास अगला वॉल्यूम है V2, तो ग्राफ फिर भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन. V3 ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन. V4 ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक है, ये V4 है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, तो ग्राफ देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ बना हुआ है.
अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है गैसीय सब्सटेंस के कंपैरिजन में, तो देखो ग्राफ किस तरीके से बना हुआ है। बट आपको पता है बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो ग्राफ तो डेफिनेटली हमारा क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो व्हाट इज गे-लुसॉक्स लॉ? अकॉर्डिंग टू जोसेफ गे-लुसॉक, व्हेन द वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट देन द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, अ फिक्स अमाउंट ऑफ ए गैस, ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो प्रेशर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ग्राफ आएगा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ द प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम रिमेन सेम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस कंसेप्ट के अंदर फिजिकल सिग्निफिकेंस की, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी हमने दो लो पढ़े और दोनों लो में हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा। बॉयल्स लॉ के अंदर जो हमने सिग्निफिकेंस देखा था वो था हाई एल्टीट्यूड से रिलेटेड कंसेप्ट, और जो हमने चार्ल्स लॉ के अंदर हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा था वो देखा था हमने हीलियम गैस का बैलून जो हमने फिल किया था, रूम हॉट कंडीशन में फिल किया तो ठीक है फिल हो गई गैस उसमें, और जैसे हम उसको कोल्ड कंडीशन में लेके गए हीलियम गैस के बैलून को तो वो बैलून श्रिंक हो गया, यही था ना। तो वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा होता है हाई टेम्परेचर, रूम हॉट कंडीशन में किया तो क्या हुआ, वो गैस का बैलून एक्सपेंड रहा था, और उसको कोल्ड कंडीशन में लेके गए हीलियम गैस के बैलून को तो वो श्रिंक हुआ था, याद है आपको। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ल्स। बट नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द गे-लुसॉक्स लॉ, द फिजिक्स, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द गे-लुसॉक्स लॉ। तो गे-लुसॉक्स लॉ की बात करते हैं बच्चे अगर हम, तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ऑटोमोबाइल्स के जो टायर्स होते हैं, गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वो हम क्या देखते हैं समर डेज में, देखें गर्मी वाली कंडीशन में देखें तो उनमें प्रेशर क्या रहता है, काफी एक्सपेंड रहता है, प्रेशर काफी होता है गैस का, और हमारी जो गैस है वो जो टायर है वो क्या हो सकता है, मे बी ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कि टायर ब्रस्ट हो जाए इन समर डेज बिकॉज ऑफ हॉट कंडीशन, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऐसा होता है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जो टायर्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के टायर्स होते हैं, गाड़ियों के टायर होते हैं, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये चांसेस रहते हैं कि वो ब्रस्ट भी हो सकते हैं। बट अगर हम यही देखें इन द कोल्ड विंटर टाइमिंग में देखें, विंटर में देखें तो आप बहुत ठंडी एरिया में जाकर देखें, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं ठंडे टाइम में देखें, विंटर डेज में देखें ये चीजें हम ऑब्जर्व करें तो क्या देखते हैं हम लोग, ये जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, टायर्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, और वो कुछ हद तक ऐसे लगता है जैसे उसमें हवा कम है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है उस कंडीशन में, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया विंटर टाइमिंग में डिक्रीज हो गया तो प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज। और समर डेज में क्या देखते हैं हम लोग, समर कंडीशन में क्या देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारे प्रेशर पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द इन्फ्लेटेड टायर्स इन द ऑटोमोबाइल्स इज ऑलमोस्ट सेम, बट इन द हॉट समर डेज कंडीशन में हम क्या देखते हैं, द प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज द प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर द क्या हो जाए, टायर क्या हो सकते हैं मे बी ब्रस्ट, बट इन द विंटर डेज हम क्या देखते हैं, प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू द गे-लुसॉक्स लॉ। बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द गे-लुसॉक्स लॉ। तो बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक मैंने यहां लिखी है, ए चैम्बर ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, पहले ही उसमें दिया है ए चैम्बर ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो बेटा आप लोग ना अचानक एकदम से समझ जाएंगे कि हाँ कि यही न्यूमेरिकल है, गे-लुसॉक्स लॉ से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल है, क्योंकि उसने पहले ही कंडीशन दे दी कि वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट। तो और आपको मैंने शुरू से इस कंडीशन में बता दिया था ये रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर का है, इस रिलेशन के अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यस ए चैम्बर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, कंटेन हाइड्रोजन गैस, और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है उस चैम्बर के अंदर। व्हेन चैम्बर इज इमर्ज इन द बाथ ऑफ मेल्टिंग आइस, अगर उसमें मेल्टिंग आइस डाल दें और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस मेल्टिंग आइस का, तो हमारे पास T1 कितना आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, एंड द प्रेशर ऑफ द गैस और P1 कितना है उस समय गैस का 1.07 × 10⁻²⁰ kPa, दिस इज द P1, ठीक है। एंड व्हाट प्रेशर विल बी इंडिकेटेड व्हेन द चैम्बर इज बोर्ड टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब क्या होगा, कितना व्हाट प्रेशर विल बी इंडिकेटेड व्हेन द, कितना प्रेशर लगेगा चैम्बर, जिस चैम्बर के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है कितना प्रेशर उस पर अप्लाई होगा जब, अगर हम लोगों ने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो T2 इज द 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब आइए बेटा, आपको मैंने चीज बताई है सभी लोज में आप लोगों को ये रिलेशन याद रखना है, अपना अपना रिलेशन P1 upon T1 equal to P2 upon T2, तो P1
T1 की वैल्यू हमें गिवन है, आपको निकालना क्या है, वट चैम्बर तो हमें हो गया हमारे पास P1 भी गिवन है, T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है, P2 गिवन नहीं है, तो हमने इसको यहाँ ले जाना है। पहले तो रिलेशन बना लो, P2 इक्वल टू P1 इंटू T2 अपॉन T1, ठीक है। और आप लोगों को एक बात मैंने बता दी थी, टेम्परेचर को हमने, अगर आपको सपोज डिग्री सेल्सियस में गिवन भी हो तो आप लोगों ने उसको केल्विन में लेना है, आपने उसको स्टैंडर्ड में लेकर चलना है। तो अब आइए स्टैंडर्ड लेते हैं। T1 पहला था 0 डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें 273 ऐड करेंगे तो केल्विन, तो क्या रहेगा 273 केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली होती है 273.15 केल्विन, बट आप उसको 273 ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए T2 टेम्परेचर के लिए क्या ले रखा है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है प्लस 273 केल्विन, तो कितना हो गया टोटल 373 केल्विन। दिस इज द सेकेंड टेम्परेचर, तो T1 की वैल्यू भी है, T2 की वैल्यू भी है। अब हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी गिवन है, और P1 की वैल्यू हमें गिवन है 1.07 × 10⁻² किलो पास्कल। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू, हम एक एक करके सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो करिए आइए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है P2 इक्वल टू P1 इंटू T2 अपॉन T1। सो द वैल्यू ऑफ P1 इज 1.07 × 10⁻² किलो पास्कल, एंड द T2 वैल्यू इज, T2 इधर जाएगा ना, तो T2 की वैल्यू है 373 केल्विन, और T1 की वैल्यू है बेटा हमारे पास 273 केल्विन। आंसर तो आपको वही किलो पास्कल में आएगा, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो हमें देखता है केल्विन से केल्विन हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है लगभग 1.462 अप्रोक्स किलो पास्कल के नियर अबाउट हमारा आंसर आता है, 1.462 × 10⁻² पास्कल के इक्वल हमारा क्या आ जाता है, लगभग आंसर आता है, ठीक है। तो इतना हमें पता होना चाहिए, बाकी आप इसे सॉल्व करके देख लेंगे एग्जैक्ट आंसर आपका कितना आ रहा है यहाँ पर। तो दिस इज द न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू द गे-लुसॉक्स लॉ। तो गे-लुसॉक्स लॉ क्या है, वॉल्यूम रिमेन सेम कॉन्स्टेंट एंड प्रेशर इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, वेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड डिक्रीज देन प्रेशर विल ऑल्सो इफेक्टेड, ठीक है। जो गैसेस पार्टिकल है, सपोज एक चैम्बर के अंदर हमने गैसेस पार्टिकल ले रखे हैं, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वो गैसेस पार्टिकल प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, और आपने जो चैम्बर, जिस चैम्बर में भी गैस पार्टिकल लिए हैं उसका वॉल्यूम आपने फिक्स रखना है, और आपको टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करके प्रेशर को देख चेक करना है प्रेशर कितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द गे-लुसॉक्स लॉ। इसकी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको मैंने बताई है जो कि हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड है, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है। ऑटोमोबाइल्स के टायर्स जनरली इन्फ्लेटेड टायर्स होते हैं, उनमें प्रेशर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, बट समर डेज में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो गैस होती है अंदर वो प्रेशर, उसकी जो टायर्स की वॉल होती है उस पर ज्यादा प्रेशर लगाती है, और इस वजह से प्रेशर लगाने से टायर ब्रस्ट हो सकते हैं। बट यही अगर हम विंटर डेज में देखें, दूसरी कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में देखते हैं, तो क्या देखते हैं, जो प्रेशर है गैसेस पार्टिकल, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर, जो गैस पार्टिकल है उनका प्रेशर भी कम हो जाता है, और जो बल्कि जो टायर है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सिकुड़ टाइप में जाएगा, मतलब उसमें से हवा लगेगी जैसे थोड़ी कम हवा है, ठीक है। और वैसे विंड समर डेज में क्या देखा, मे बी चांसेस होते हैं टायर्स के, और टायर क्या हो सकता है, ब्रस्ट आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस, ये जो कंडीशंस है आपको अच्छे से याद रखनी है। तो अभी तक बच्चे आप लोगों को 3 लो बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं, फर्स्ट लो इज कॉल्ड बॉयल्स लो, सेकेंड इज चार्ल्स लो, थर्ड इज गे-लुसॉक्स लो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अवोगैड्रोज लो। Now we will discuss about the topic that is Avogadro's law. This is the fourth law, ठीक है। और Avogadro's law के बारे में भी बेटा हम लोगों ने first chapter में read out किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो what is Avogadro's law? According to Avogadro's law, equal volume of all gases contain same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. कि ये कह रहा है कि अगर volume कुछ गैसेस हैं हमने एक कंटेनर में ली हैं, सपोज उन जितनी भी गैसेस हमने ली हैं उनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा गैस का वॉल्यूम, ठीक है। और कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर बोथ आर कॉन्स्टेंट,
ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, वो गैस के नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करेगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सिंपली वी कैन से दैट मोल्स। ये जो एन है ये हमने मोल्स कंसेप्ट के अंदर भी पढ़ा है, और ये जो एन है हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी जब, ठीक है, मैटर की, तभी हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वर्ड पढ़ा था, दैट रिप्रेजेंट दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड दैट इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मोल, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट एमओएल, ठीक है। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन अकॉर्डिंग टू अवोगैड्रोज लॉ। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये अवोगैड्रोज का हाइपोथिसिस था जिसको वेरीफाई होने के बाद अवोगैड्रोज लॉ में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। अवोगैड्रोज जो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्रजीलियस हाइपोथिसिस को, ब्रेजिलियस हाइपोथिसिस की शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए लो दिया था, जिसे अवोगैड्रोज हाइपोथिसिस बोला गया। बट इस अवोगैड्रोज हाइपोथिसिस की जब कन्फर्मेंस हुई, उसके बाद जब ये कंसेप्ट अप्लाई किया गया, तो उसे बाद में बोला गया अवोगैड्रोज लो। और अवोगैड्रोज लो जो है वो क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पार्टिकल, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हेयर, एंड दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन विल रिप्लेस बाय के फोर, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, ये प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है, और एन आपको यहाँ दिख रहा है। और आप लोगों को सबको पता है, जब मैंने मोल कंसेप्ट पढ़ाया था तो बताया था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड मोलर मास इज डिपेंड अपॉन द मास नंबर, ठीक है। मोलर मास का जो कंसेप्ट है वो मास नंबर पे डिपेंड करता है, और एन एम होता है, या आप स्मॉल डब्ल्यू भी ले सकते हैं, स्मॉल एम भी ले सकते हैं। दिस इज द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, इसे बोलते हैं गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, और डिवाइड में है मोलर मास। मोलर मास में दोनों चीजें आ जाती है, मोलिकुलर मास भी आ जाता है और एटोमिक मास भी आ जाता है किसी भी सब्सटेंस का जिसके बारे में हम न्यूमेरिकल में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एन, एन इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज आल्सो कॉल्ड मोल्स, एंड मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज गिवन टू यू, ठीक है, एंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मोलर मास मीन्स मोलिकुलर मास एंड एटोमिक मास। सो एन रिप्लेस बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास। सपोज बच्चे, अगर मैं वी को नीचे ले आऊं और एम को ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो मोलर मास किसके इक्वल आ जाएगा, के फोर इंटू में एम इंटू एम डिवाइड बाय वी। और हमें बहुत अच्छे से पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो मैं इस जगह पर क्या लिख सकती हूँ, एम इज इक्वल टू के फोर, के फोर इज अ कॉन्स्टेंट, सिंपली कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज इंटू डी। तो मोलर मास इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डी। तो डेंसिटी और मोलर मास एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है मोलर मास और डेंसिटी के बीच में। दिस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप हमने कहां से फाइंड आउट किया, ये रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ अवोगैड्रोज कंसेप्ट, अवोगैड्रोज लॉ। अगर हमने मास, मोलर मास को यहाँ शिफ्ट किया, वॉल्यूम को नीचे की शिफ्ट किया, तो हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम रिप्रेजेंट द डेंसिटी। सो डेंसिटी एंड मोलर मास आर ऑल्सो बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। नाउ एक आपको कुछ कंडीशंस मैं बता रही हूँ बच्चे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अगर न्यूमेरिकल के अंदर लिखा आता है एसटीपी, एसटीपी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, मतलब फिक्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज स्टैंडर्ड। तो एसटीपी कंडीशन है और जीरो डिग्री मेरे पास डिग्री सेल्सियस मेरे पास टेम्परेचर है, जीरो डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट द 273 केल्विन, ठीक है, क्योंकि हमने कल ही ये बात पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, केल्विन प्लस में 273, ठीक है। और हमारे पास ये जो डिग्री सेल्सियस का लोएस्ट टेम्परेचर आया था बेटा, हमने जब कल देखा था वो क्या आया था, जीरो। तो जीरो प्लस 273, तो अगर सेल्सियस जीरो होता है तो केल्विन में हमारा टेम्परेचर कितना निकलता है, 273। तो एट एसटीपी कंडीशन जीरो डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, atm आपको पता है प्रेशर को, प्रेशर की यूनिट है, 1 atm कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस पार्टिकल इज 22.4 लीटर पर मोल। ये आप याद कर लीजिए, ये फिक्स यूनिट है, ये फिक्स्ड हमारी वैल्यू है जो कि हमने न्यूमेरिकल्स में यूज कर ली है। नेक्स्ट, एट एसटीपी कंडीशन एट जीरो डिग्री सेल्सियस मींस 273.15 एक्चुअल वैल्यू है, 273 केल्विन, एंड 1 bar प्रेशर, बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, एंड 1 bar इज इक्वल टू 1 atm, यू नो दैट। एट दिस कंडीशन वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.7 लीटर पर मोल हमने लेना है ड्यूरिंग द, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होंगे, तो ये आपको वॉल्यूम की कंडीशन याद रखनी है, ठीक है, इतना आपको पता हो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ लॉ, दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग गैस लॉ। अगला लॉ हमारा है कंबाइनिंग गैस लॉ, जिसको हम
गैस आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं. तो नेक्स्ट हमारा है कंबाइनिंग गैस लो विच इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. सो बच्चे हमारे पास है लास्ट फिफ्थ लो हम पढ़ रहे हैं अभी. उसके बाद हमारे पास आई थिंक एक लो और भी है दैट इज डाल्टन्स लो. बट अभी तक जो मेन हमने लोस पढ़े हैं इनकी कंबाइनिंग करेंगे हम और कंबाइनिंग करने के बाद हमारे पास लो आएगा कंबाइनिंग गैस लो विच इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल गैस लो. अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट दैट इज कंबाइंड गैस लो. दिस इज द फिफ्थ लो एंड दिस लो इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. अब सुनिए बच्चे ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या है. देखो अभी इससे पहले हमने तीन लो पढ़े. फर्स्ट लो बॉयल्स लो, चार्ल्स लो और अवोगेड्रोस लो. चार्ल हमने गेलुस ऑक्स नहीं लेना ठीक है. तो बॉयल्स लो, चार्ल्स लो और अवोगेड्रोस लो इन तीनों की कॉम्बिनेशन लेनी है हमने. और हमने जो लो बनाना है दैट इज कंबाइनिंग गैस लो विच इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. और ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा. अब आइए आप लोगों को पता है बॉयल्स लो क्या था. बॉयल्स लो कहता था एट द कॉन्स्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर में कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रपोर्शन टू प्रेशर ठीक है. और अगला था चार्ल्स लो. चार्ल्स लो के अकॉर्डिंग प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट, प्रेशर कॉन्स्टेंट होना चाहिए एंड द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर. नेक्स्ट इज अवोगेड्रोस लो. टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कॉन्स्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस ठीक है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ठीक है. तो वी इज इनवर्सली प्रपोर्शन टू 1/p अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लो ठीक है. आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है. और चार्ल्स लो क्या है, वी इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू टी. अवोगेड्रोस लो क्या है, वी इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस पार्टिकल. कंबाइनिंग दीज थ्री इक्वेशन, कंबाइन करने के बाद क्या आ गया, वी तो हमारे तीनों में कॉमन है तो 1/p इंटू टी इंटू एल. दिस डायरेक्टली प्रपोर्शन साइन नाउ विल रिप्लेस बाय ए यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट दैट इज आर. अब ये एक कॉम्बिक कॉन्स्टेंट से रिप्लेस होगा दैट इज आर. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. अगर हम पी को इधर लेके जाए तो हमारे पास बनता है पीवी और एनआरटी. दिस इज कॉल्ड एनआरटी. देखो प्रोपोर्शनल साइन किससे रिप्लेस हुआ, आर से रिप्लेस हुआ ठीक है. पी को इधर शिफ्ट किया तो क्या आ गया, पीवी इज इक्वल टू क्या आ गया, एनआरटी. तो दिस इज कॉल्ड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. इसे बोलते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन. और जो इसमें आर है इसकी वैल्यू फिक्स है. अभी हम काफी अलग अलग कंडीशंस में आर की इस वैल्यूज के, आर की जो यूनिट है उसे सॉल्व करेंगे ठीक है. तो आर की यूनिट हमारी हर कंडीशन में अलग अलग है. जब टेम्परेचर, जब प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट चेंज होंगी तो जो हमारी आर है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यूज में भी चेंज आएगा. वो अभी हम एक एक करके सारी वैल्यूज डिस्कस करेंगे ठीक है. तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग गैस इक्वेशन जनरली. तो अब आपको मैं कंडीशन बताती हूँ ठीक है. ये आपको समझ आया, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन आफ्टर कंबाइनिंग द थ्री लोज, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, अवोगेड्रोस लो. उन तीनों को कंबाइन करने के बाद, क्योंकि तीनों लो में वॉल्यूम का कंसेप्ट है और तीनों लो को कंबाइन करने के बाद डायरेक्टली प्रपोर्शन का साइन आर से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन ठीक है. अभी आप लोगों को पता लगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फाइन. अच्छा बच्चों, अगर मैं एन को नंबर ऑफ मोल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लेट इट बी कंसीडर 1, देन पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरटी. और आर किसके इक्वल आ जाएगा, पीवी अपॉन टी. तो अल्टीमेटली पीवी अपॉन टी किसके इक्वल आ गया, कॉन्स्टेंट इक्वल आ गया. तो सेम फॉर ए सिंगल कंडीशन, फॉर ए नंबर ऑफ गैसेस, एक टाइप की नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल की बात करें तो पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू आर आ गया ठीक है. अगर मैं किसी भी कंडीशन की फाइनल कंडीशन की बात करूं या फिर अनदर गैसेस सब्सटेंसेस की बात करूं, अदर गैसेस पार्टिकल्स की बात करूं ठीक है, तो पी टू वी टू अपॉन टी टू इक्वल टू आर. सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. पी वन अपॉन में टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन में टी टू. दिस इज ऑल्सो कंबाइन गैस इक्वेशन बिकॉज तीन लोगों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. अगर हम लेट इट बी नंबर ऑफ मोल्स और द गैसेस पार्टिकल हम 1 कंसीडर कर सकते हैं तो पीवी इज इक्वल टू आरटी एंड पीवी अपॉन टी इक्वल टू आर. आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, टी इज द टेम्परेचर. सो ऑल्सो फॉर ए नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ गैस हम लिख सकते हैं इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैसेस पार्टिकल पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू आर. फाइनल कंडीशन ऑफ द
गैसेस पार्टिकल पी टू वी टू अपॉन टी टू इक्वल टू आर, सो बोथ आर इक्वल टू इच अदर. ठीक है, ये एक टाइप की गैस हो गई है, दूसरे टाइप के गैसेस पार्टिकल के लिए कंसिडर कर लिया, सो बोथ आर इक्वल टू इच अदर. फाइन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ आर. आर क्या था? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? आर नहीं छोड़ दीजिए, पीवी एनओटी को नीचे ले आइए, पीवी अपॉन एनटी. पी क्या है? पी इज द प्रेशर. वी क्या है? वी इज द वॉल्यूम. एन इज द मोल्स. टी इज द टेम्परेचर. ठीक है, सो वी नो दैट प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, और एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर. ठीक है, और अब हमारे पास यहां पर है वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब. तो लेंथ का क्यूब वॉल्यूम हो गया, लेंथ का क्यूब और एरिया हो गया लेंथ का स्क्वायर. कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास? एफ फोर्स इंटू लेंथ, और फोर्स इंटू लेंथ होता है बेटा वर्क के इक्वल. किसके इक्वल होता है? वर्क के इक्वल. तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? फोर्स इंटू लेंथ होता है वर्क के इक्वल, तो वर्क अपॉन मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर. हियर द मोल्स, दिस इज कॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ गैसेस पार्टिकल. फाइन, तो नेचर ऑफ गैस किसके इक्वल होती है? तो नेचर ऑफ गैस मीन्स क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है? तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट मीन्स आर इज इक्वल टू वर्क अपॉन मोल्स इंटू टेम्परेचर. ठीक है, अगेन आई विल रिपीट, वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन. आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी. ठीक है, पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम. ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ द गैसेस पार्टिकल्स, टी इज द टेम्परेचर. एंड वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स अपॉन एरिया, यू नो दैट फोर्स अपॉन एरिया, एंड एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब. सो आफ्टर कैंसिल करने के बाद क्या आ गया? फोर्स इंटू लेंथ. तो फोर्स इंटू लेंथ इज इक्वल टू वर्क. फोर्स इंटू लेंथ हो जा ऊपर, किसके इक्वल होता है? वर्क के इक्वल होता है. अपॉन क्या आएगा? मोल्स इंटू टेम्परेचर. तो आर इज इक्वल टू वर्क अपॉन मोल्स इंटू टेम्परेचर. अभी हम लोगों ने आर की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में यूनिट्स भी सॉल्व करके दिखानी है. ठीक है, कि जब तक प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर बार भी ले सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर भी ले सकते हैं, वो एटीएम भी ले सकते हैं, प्रेशर हम यहाँ पर पास्कल में भी ले सकते हैं. ठीक है, किलो पास्कल में भी ले सकते हैं. तो डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम, देन द यूनिट ऑफ आर विल बी लिटिल बिट चेंज. वो भी धीरे धीरे करके चेंज होगी. तो आपको सब कंडीशन पता होनी चाहिए. आर की यूनिट आपको फिक्स रखनी है. आर की यूनिट यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, तो वैल्यू फिक्स है, बट जैसे ही यूनिट बदलेगी प्रेशर और वॉल्यूम की, तो आर की यूनिट में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, बट एक्चुअली दिस वैल्यू इज कम्प्लीटली फिक्स्ड वैल्यू. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज अवर आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर योर, इवन फॉर योर दिस 11th स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमारी हायर क्लासेस तक ये रिलेशन हमें याद रखना है. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो आज हम बच्चों हमने क्या क्या याद किया? आज हमने रीड आउट किया अबाउट द अवोगाड्रोस लॉ. ठीक है, गेलो सॉक्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कंबाइनिंग गैस लॉ. कंबाइनिंग गैस लॉ से हमने तीन लॉ को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाई. ठीक है, और जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी उससे फिर मैंने एक इक्वेशन और कैरी करी. इसमें न्यूमेरिकल बहुत बार आता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू. ठीक है, क्योंकि हमारे पास एन को हमने वन कंसीडर कर लिया, आर मेरा कॉन्स्टेंट था, पीवी अपॉन टी को नीचे लेके गए. ये एक टाइप की गैसेस पार्टिकल के लिए, दूसरे टाइप की गैसेस पार्टिकल की, तो पी वन या इनिशियल कंडीशन फॉर फाइनल कंडीशन, पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू. ठीक है, तो ये हमारे जब रिलेशन आ जाता है दो डिफरेंट टाइप की गैसेस में, या फिर बोल सकते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन में, तो हम ये रिलेशन लगा सकते हैं. ठीक है, और हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में हम वॉल्यूम क्या लेंगे, आपको मैंने बता दिया है. और उसके अलावा आर का नेचर, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का नेचर, दैट आर इज इक्वल टू वर्क अपॉन मोल्स इंटू टेम्परेचर. ठीक है, सो इतना आज आप लोगों ने सीखा. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली. ठीक है, ओके.